दशहरे वाले दिन जोड़ा फाटक पर हुए रेल हादसे में मारे गए लोगों के पारिवारिक मेंबरों को पंजाब सरकार द्वारा 5-5 लाख के चेक भेंट किए गए। इस मौके पर पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा पहुंचे। वहीं चेक देते हुए नवजोत सिंह सिद्धू की आंखें भी नम थी। इस मौके पर पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा और अलग अलग पीड़ितों ने कहा, एक ही परिवार के एक ही चेक तैयार हुए हुए हैं। चीफ मिनिस्टर साहब की अनाउंसमेंट सी 5 लाख रुपया देने की, एक बहुत अनफॉर्चुनेट ट्रेजडी हुई है, पर सरकार अपना पूरा रोल निभा रही है। मुख्यमंत्री जी चाहे बाहर ने, पर हर 2 घंटे बाद अमृतसर की सिचुएशन का जायजा ले रहे हैं। टेलीफोन करके गल करते, हर वेले पुछते की हालात ने, किस तरह के हालात ने। उन्होंने बड़ा फिक्र है उत्थे बाहर बैठिया भी। 5 लाख का जी अनाउंसमेंट सरकार ने की थी, उस एक ही परिवार अच्छे आइडेंटीफाई करके उन्होंने चेक जोड़े ने असी तैयार किए हैं। 10 परिवार हम दे देते हैं, परिवार रस्ते च नहीं आ रहे हैं। उन्होंने अज शाम तक 21 परिवार दे देना, बाकी 1-2 दिन आइडेंटिफिकेशन कागजों की हो रही है, वेरीफिकेशन सारी हो रही है, उस तो बाद कि चेक 1-2 दिन असं सारे दे देने। वो बारे हाले साड़ी कोई गल नहीं जी हुई, जद वो आएगी वो भी दे देंगे। नहीं बिल्कुल औपचारिक, सरकार सिंसियर है और सरकार की सिंसियरिटी यहाँ से पता लगती है कि अभी आज 3rd-4th दिन हम बिल्कुल उस तरह से अपने लोगों का ख्याल कर रहे हैं जैसे सरकार को रखना चाहिए, और सरकार अपनी पूरी जिम्मेवारी निभा रही है। अब फ्यूचर में जो है इन परिवारों को सिर्फ मुआवजे के, इन परिवारों का चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि इनकी सोशल इकोनॉमिक स्टडी करनी पर चाहिए और करेंगे उसकी। मेरे को जो ड्यूटी लगी है हमारी कमेटी मैक्स दुख सरकारिया जी, हमें रिहेबिलिटेशन की बात हमने करनी है बैठ के यहाँ पे, और मैं यहाँ हूँ अभी 3-4 दिन, उसमें हमें इनकी सारी स्टडी करके जो सोशल इकोनॉमिक सिचुएशन है परिवारों की उसके मुताबिक, चाहे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन से बात करें, चाहे सरकार अपने ढंग से कोई बात करे, कोई फिलेंथ्रोपिस्ट है उनसे बात करेंगे, इंडस्ट्रियलिस्टों से बात करेंगे, सबकी रिहेबिलिटेशन करेंगे हम। रेलवे जो है अपनी रिस्पांसिबिलिटी से भाग रही है इसके बाद। कौन का? रेलवे। रेलवे रेलवे की बात आप रेलवे से कीजिए जी, उनका जवाब वो देंगे, वो जब आ जाएंगे जी दे देंगे, अभी तक नहीं आए। लाके अपना बच्चा बेचन दे जी, इन्होंने बच्चे चल गए, इन्होंने सरकारी नौकरी देनी चाहिए। वहां कई दे बच्चे बेरोजगार, पता नहीं किदा पैसे लैके उन्होंने बच्चे पढ़ाए होंगे, है ना। मैं 5 लाख नु कुछ नहीं समझती, घर बेटिया खूह खाते आते हैं, 5 लाख तो कुछ नहीं। जिन्ना नहीं, मान लो 2 बाहां होन, तुहाडी मैं 1 बांह फड़ ला, तुसीं दूजी बांह ना काम कर सकते हो? नहीं कर सकते। हर परिवार की 1 बांह टुट गई आ, 5 लाख ना किदा बांह जुड़ जूगी? 5 लाख ना लवो। मैं सब नूं कहनी आ अपनी नौकरियां दी अपील करो, नौकरियां लवो। जिन्ना ने बच्चे पढ़े आ ना, नौकरियां दी अपील करो। मां प्यो पता नहीं रिक्शे वा के कितना कितना गरीबी जो चल के बच्चे पढ़ाते हैं। बस घर मेरे ब्रदर ने सिविल इंजीनियरिंग की, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं। मैं खुद 2 डिप्लोमे किए, मैनू कोई जॉब नहीं, घर वेले बैठे रहते। हम सब देखो, कोई बच्चा सिविल इंजीनियरिंग करन दिया, बाद चो 7000 दी ड्राइविंग करे, गल नहीं ना बनती। मैं नहीं खुश, मैं बिल्कुल नहीं खुश। जेडे मैं मांग कर दी कि सरकारी नौकरी, इन कि मैं अपने फायदे लिए कह रही हूँ, मैं सबने फायदे लिए कह रही हूँ कि सारे गरीब लोग या जो भी है बेरोजगार, वो अपनी नौकरियां मंगन। 5 लाख ना कुछ नहीं होंगे, 5 लाख ना थोड़ा थल, 5 लाख ना कुछ नहीं होंगे। 5 लाख से खूह घर बैठिया खाधा जाता, घर बैठे खूह खाधे जाते। मेरा ब्रदर सिविल इंजीनियर सी, नहीं नहीं वो वड्डा है, वो घर ये छोटा सी, ये तो बहुत छोटा सी ना, इहदी उम्र 19 साल सी, अमृतपाल सिंह।